तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैं वीडियो शूट कैसे करता हूं, मैंने अपना सेटअप कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, मैं भी, मेरी कंडीशन भी नॉर्मल है, न ज्यादा बिग न ज्यादा पुअर। दोस्तों, ऐसे में मैंने अपना सेटअप कैसे बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस चैनल में आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोज मिलती रहती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते रहते हैं कि यार सेटअप कैसे बनाया जाए, सेटअप के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए जाए, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये। ठीक है, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात ये घूमती रहती है कि YouTube में कैसे काम किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशली है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक कम से कम बजट में, कम से कम पैसों में भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं YouTube पर। ठीक है ना, और केवल मोबाइल फोन से। तो देखिए, मेरे पास फिलहाल केवल तीन चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ये ग्रीन स्क्रीन हो गया, और दूसरा है स्टैंड, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड है, और तीसरा है माइक। तो माइक देखिए, जब मैं घर के बाहर वीडियो शूट करता हूँ छत में या फिर अपने घर के पीछे, तब माइक का यूज़ करता हूँ। और यदि घर के अंदर हूँ तो मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, माइक रखा रहता है साइड में। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं मेन, और चौथा होता है बल्ब, यानी कि लाइट का सेटअप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइट का सेटअप। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने लाइट का सेटअप कैसे बनाया हुआ है और कैसे आप भी बना सकते हैं। देखिए, ऑडियंस को मतलब है आपकी वीडियो से, आपके कंटेंट से, ना कि आपके सेटअप से। आप सेटअप कितना भी अच्छा लगाएं या कितना भी खराब लगाएं, बस जो आपकी ऑडियंस है उसको वीडियो के अंदर कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। जो ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, मतलब कि जो उनको चाहिए आपकी वीडियो से उनको वो मिलना चाहिए। ऑडियंस आपको लाइक करेगी। यदि आप सेटअप अच्छा रखते हैं बट जो वीडियो के अंदर कंटेंट देते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है ऑडियंस के लिए, यानी कि वो लोग संतुष्ट नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं, जो आप लोग उनको दे रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो वो लोग संतुष्ट नहीं, तो आप कितना भी अच्छा सेटअप बना लें वो आपके वीडियो नहीं चलेंगे। जब भी आप अपने वीडियो शूट करते हैं तो आपके दिमाग में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार मेरे घर में सेटअप अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे कम हैं, तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, आप लोग कम से कम पैसों में भी अच्छा सेटअप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, एक ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं, नहीं है तो आप कोई भी अपने घर का कोई प्लेन कपड़ा रख सकते हैं, वाइट कलर का, रेड कलर का, कोई भी कलर का, चाहे तो आप अमेजोन से मंगवा ही सकते हैं या कहीं से मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा इनकी डायरेक्ट, तो आप लोग जा करके इनको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और इनको डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सेटअप क्या है, मैं वीडियो शूट कैसे करता हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाली केबल, ये मोबाइल का चार्जर है, और ये केबल लगी है लाइट के लिए। ठीक है, और वो लगी है पीछे ग्रीन स्क्रीन, यानी कि पर्दा लगा हुआ है। और ये है मेरा एक सिंपल सा स्टैंड, ये 1400 रुपये का आया था, ऑफर में ये 1100 रुपये तक का मिल जाता है। और इसमें ये माउंटर जो है ये अलग से आया था, तो यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, अब दोस्तों जो आपका बल्ब का सेटअप है वो कहाँ पर करना है, देख सकते हैं जहाँ पर आपका स्टैंड रखा है, तो जहाँ पर ये मोबाइल रखने का माउंटर है उसी के जस्ट ऊपर आपको बल्ब करना है, और अपने हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल रख देता हूँ तो पीछे बिल्कुल सिंपल वीडियो आने लगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, बीच में बल्ब रखने का मेन उद्देश्य ये है कि जो लाइट है इसकी आपके फेस में बराबर पड़ती है, आपके फेस में या इस साइड अंधेरा नहीं रहता है, डार्कनेस नहीं रहती। ठीक है, तो इसीलिए बल्ब को हमेशा इसके ऊपर ही लगाना है और जस्ट इसके सामने लगाना है। कैसा लगा मेरा सेटअप और कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज मिलती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए वंदे मातरम।